गाइज वेलकम टू साइक अवेरनेस आई होप आप सब अच्छे होंगे तो जो वैकेंसीज आई है वो आपकी एन आई टी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से जिसमें आपकी वैकेंसी है स्टूडेंट काउंसलर की और फिजियोथेरापिस्ट की और एक डिपार्टमेंट और है आपका एन आई एस ई आर जिसकी तरफ से वैकेंसी आई है उसमें भी आपकी साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है तो दो टाइप की वैकेंसी है दोनों डिपार्टमेंट आपके काफ़ी बड़े डिपार्टमेंट है ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूट एन आई टी के नाम आपने सुना होगा थर्टी वन प्लस एन आई टीज ऑल इंडिया में है काफ़ी बड़ी वैकेंसीज है इसमें सैलरी भी अच्छी खास आपको मिल रही है इसमें मास्टर्स अगर आपने किया है एम अगर आपने कराया है साइकोलॉजी से तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे और एम अगर आपने साइकोलॉजी से करा तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे अप्लाई आपको इसमें ऑनलाइन करना है और दूसरे जो इंस्टीट्यूट एन आई एस सी आर उसमें साइकोलॉजी आपको अपलाई ऑफलाइन करना है ठीक है दोनों वैकेंसी में आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा डायरेक्ट आपका इसमें इंटरव्यू होने वाला है अगर आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट होता है तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा बट ऑफलाइन में शॉर्ट लिस्ट कुछ क्राइटेरिया होता है इसकी बात करेंगे बट बात करते हैं पहले ऑनलाइन की ऑनलाइन वैकेंसीज की तो जो आपके uh, जीड करते हैं, नोटिफिकेशन हो ये जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं, मैं काउंसलर आपको एम एन में क्या क्या काम करने पड़ेंगे और आपकी जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगी पोस्ट इज टेम्परी फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पर आपकी पोस्ट रहेगी ठीक है उसके बाद आपके परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग या इनका अगर आपको इनको लगता है कि इनके पास फंड आ रहा है तो आपकी पोस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर यह वैकेंसी है बड़ा इंस्टीट्यूट है आपका काम आएगा सैलरी वगैरह इसके बाद वीडियो बनने एन टाइट क्योंकि नेक्स्ट जो वैकेंसी वो भी कवर करेंगे एनआईएस की साइकोलॉजिस्ट की तो पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में ये आपकी क्या आप तो से वैकेंसी है नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसलर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट सॉरी साइकोथेरेपिस्ट मैं फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ रहा लूँ इसे स्टूडेंट uh, काउंसलर या फिर साइकोथेरेपिस्ट नंबर पोजिशन एक है इसमें आपने एम या फिर एम करी हो साइकोलॉजी से और और इस, आपका स्पेशलाइजेशन रहा हो किसमें क्लिनिकल और काउंसलिंग में तो अप्लाई कर पाओगे यानी कि एम एम एस डिग्री इन साइकोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन रहो क्लिनिकल या काउंसलिंग में तो अप्लाई कर पाओगे साथ में आपसे मांगा है फाइव ईयर का एक्सपीरियंस ग्रुप काउंसलिंग एज वेल एज इंडिविजुअल काउंसलिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में अगर आपने काम करा है फाइव ईयर तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्होंने मांग लिया तब मांगना चाहिए नहीं uh, एक स्टूडेंट काउंसलर के लिए बट आई है तो उन्होंने मांग लिया ले, लेकिन आई में भी इतना नहीं मांगतीन आई टी ने मांगा आई ने जितने कहीं जाती है एक साल से ऊपर का नहीं मांगती लेकिन इन्होंने फाइव ईयर मांगे तो जिन बच्चों के पास फाइव ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो इसमें अप्लाई करना अच्छी खासी सैलरी है आपकी इसमें वन ईयर का आप कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके बाद अभी बात को नेक्स्ट पोस्ट की ड्यूरेशन कितना है वो ड्यूरेशन आपका वन ईयर और आपको पर मंथ सैलरी जो है वो सेवेंटी थाउजेंड पर मंथ आपको मिलेगी आपको वीक में फाइव डे वर्क करना होगा ठीक है ये आपको जॉब डिस्क्रिप्शन या आप डेट कर लेना बाकी ये आपको कोई भी टी ए डी ए नहीं दे जाएगा इंटरव्यू के लिए बाकी आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है और कुछ है नहीं इसमें यहाँ लिखा है उन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरना है बट ऑफलाइन फॉर्म में कोई एडवर्टीजमेंट में कोई भी वो अप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप भर नहीं सकते तो आपको ऑनलाइन भरना है लास्ट डेट क्या है ऑफ फॉर्म भरने की वो है टेंथ ऑफ मई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और जो ये वैकेंसी है कहाँ से दिखाया तो आपको जो ये मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर राजस्थान मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर राजस्थान से वैकेंसी है बट ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे ये डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा यहाँ जाओगे तो आप एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा और इसमें क्लिक करोगे तो आप ये वेबसाइट खुल जाएगी यहाँ जाके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना ये लिखना स्कूल काउंसलर सॉरी स्टूडेंट काउंसलर एम एल एना रजिस्टर कर लेना फॉर्म पूरा जाएगा ठीक है तो लास्ट दस मई है ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको ऑनलाइन फॉर्म भर लेना अब बात करता हूँ नेक्स्ट वैकेंसी की जो आपके राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर में इसमें जो वैकेंसी वो आपकी कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर इसमें वैकेंसी है और आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आगे इंक्रीज हो जाएगी पोस्ट नाम है पार्ट टाइम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक आपकी जो सैलरी है मंथली थर्टी थाउजेंड पर मंथ और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट इसमें है फोर्टी ईयर ठीक है ये जो वैकेंसी थी इसमें आप एज लिमिट पढ़ लेना मैंने आ, कवर कर ही नहीं आई थिंक एक बार आप पी डी एफ अच्छी लिट कर लेना आपकी एज लिमिट या मैं कहीं ना कहीं होगी तो आप एज लिमिट देख लेना जब फॉर्म भरोगे ठीक है तो लेकिन इस बस बात करते हैं इसमें आपसे एज लिमिट फोर्टी ईयर मांगी है आपने एम या आप फिर एम करा हो क्लिनिकल साइकोलॉजी से तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे आपको टू ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए बट ये डिजायरेबल है ठीक है क्योंकि जब अभी एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि आ, देखो यहाँ पे लिखा है टेन नंबर पर अनुभव यदि कोई हो एक्सपीरियंस इफ न, अगर एक्सपीरियंस है तो भी भर सकते हो एक्सपीरियंस नहीं है तो भी फॉर्म अपना ही भर सकते हो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिट के लिए पार्ट टाइम ठीक है थर्टी थाउजेंड पर मंथ सैलरी एम एस सी या फिर एम ए करो क्लिनिकल साइकोलॉजी से तो भर लेना फॉर्म भरने की लास्ट फॉर्म भेजने की लास्ट डेट है कितनी आठ मई लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने की और आपको इसमें भी इसमें भी आपको आ, रोज के एट आवर ड्यूटी करनी पड़ेगी और हफ्ते में कितनी वीकली फाइव डे की होगी जो फॉर्म ला है लास्ट जाते है वो आठ मई है यहाँ पे ठीक है और क्या चीज़ें देखता हूँ मैं आपको और क्या चीज़ें एप्लीकेशन नॉट डिमांड एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट एंड और देख लेते हैं ठीक है ये कहाँ पर वैकेंसी आपकी भुवनेश्वर उड़ीसा में है बट ऑल से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे ठीक है कोई भी आपको टी नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए ज्वाइनिंग के लिए इंटरस कंड कंडक्ट जो आपका इंटरव्यू होगा वो कहाँ होगा एन ठीक है नाइजर कैंपस में होगा आपको जो कहा खुदरा खुर्दा उड़ीसा में ये है ठीक है यहाँ पर आपको इंटरव्यू होगा यहीं पर आपके डॉक्यूमेंट वेफिकेशन होंगे और आपको सिर्फ इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा तो ये आपका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइट कर दूंगा यहाँ से आप अपना फॉर्म भर लेना किसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए दो हज़ार बाईस दो हज़ार तेईस वन ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे बाद में ये इंक्रीज हो जाएगा आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखना फोर्टी ईयर आपकी लास्ट डेट होनी एक अठारह से चालीस साल ये फॉर्म भर लेना और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछना बाकी इस वीडियो को तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्द मिलता है अगली वीडियो में तब तक ले थैंक यू